देखिए, ऐसा कोई नहीं है जो ट्राई नहीं करता होगा कि पेटीएम पोस्टपेड मुझे मिल जाए, क्योंकि अच्छी फैसिलिटी है। अपना बिना कुछ दिए हुए आप एक तरह से लोन टैप का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो है आपका सिबिल स्कोर बहुत मायने रखता है और उसी बेस पर आपको ये पेटीएम पोस्टपेड मिलेगा। तो अगर आपका पेटीएम पोस्टपेड अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, तो इसकी एक ही वजह है कि आपका सिबिल स्कोर नहीं है, सिबिल स्कोर उस लायक नहीं है कि पेटीएम आपको पोस्टपेड की फैसिलिटी दे सके। तो इसके लिए आपको सिबिल स्कोर अच्छा करना होगा, और अगर अभी तक सिबिल स्कोर जनरेट ही नहीं हुआ है या है ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है कि आप कैसे फर्स्ट टाइम या फिर पहली बार या अपना जीरो से सिबिल स्कोर स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें, लिंक वहाँ पर है। आप चाहें तो वहाँ से सिबिल स्कोर कैसे जनरेट कर सकते हैं, मतलब जीरो से। कभी मेरा भी तो जीरो होगा ना। आज मेरे पास इतना सिबिल स्कोर है कि पेटीएम मुझे पोस्टपेड भी दे रहा और भी बहुत सारा बैंक से ऑफ़र भी है, तो क्यों है? यही वजह है कि मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया, आज मेरे पास है, तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लाइव करके दिखाने वाले हैं कि आप पेटीएम पोस्टपेड कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए, जो पेटीएम यूज़ करते हैं उसको सारा चीज़ पता होगा कि पेटीएम पोस्टपेड क्या चीज़ है। अगर नहीं पता तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड क्या है, कैसे एक्टिवेट करना है। मैं इसमें डायरेक्टली लाइव करके ये दिखाऊंगा कि आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पेटीएम ऐप को जो है आपको अपडेट कर लेना होगा। उसके बाद अपडेट करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे, देखिए जब फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले देखिए पेटीएम पोस्टपेड लिख के सर्च कर लें, या फिर उसका जो ऑल सर्विस वाला ऑप्शन है उसमें भी आप पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन देख सकते हैं, मगर आसानी के लिए पोस्टपेड लिख के सर्च करेंगे तो पेटीएम पोस्टपेड आ जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो यहाँ पे आप लोकेशन एक्टिवेट करने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सिविल स्कोर फेंच किया जाएगा, ठीक है। आपको अपना पैन कार्ड डिटेल डालना होगा, आपका नाम, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर, जो आपके क्रेडिट कार्ड या लोन से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर वो डालना होगा। अगर आप वो सही सही डालते हैं तो पेटीएम क्या करेगा, आपके क्रेडिट कार्ड को फेंच करेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर शो हो जाएगा। उसके बाद कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए, मैंने जो है मेरा सिबिल स्कोर ऑलरेडी, मैं इस वक्त वीडियो नहीं बनाता क्योंकि पेटीएम अलाउ नहीं करता वीडियो बनाने का, इसलिए मैं नहीं कर सका। अब देखिए, यहाँ पे मुझे कंग्रेचुलेसन 6500 का जो है पासवर्ड मिल चुका है। अब एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके उसके बाद यहाँ पर एक्टिवेट वाला ऑप्शन जो था उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मेरा जो है पेटीएम पोस्टपेड एक्टिवेट हो चुका है। देख सकते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड मुझे 6500 रुपये का मिला है। अब आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इस बहुत सारा देखिए वेयर टू यूज़ का जो ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि आप कहाँ कहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जनरली इसको जो है मोबाइल रिचार्ज या फिर इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, गैस सिलेंडर बुकिंग वगैरह जो पेटीएम का फैसिलिटीज़ है उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ जो है पेटीएम मॉल से किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने में भी कर सकते हैं आप। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूं ताकि आपको और फ़ायदे हो। जो मुझे मिल रहा है मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूं। थैंक यू।